बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा, जहां एक तरफ फर्जी ओटीटी का सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के नंबर वन वेब सीरीज बन गई, तो दूसरी ओर ब्लडी डैडी को भी अच्छा रिस्पांस मिला। उनकी लास्ट फिल्म जर्सी थिएटर में रिलीज हुई थी, जो डिजास्टर साबित हुई थी, और इस साल उनकी दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दर्शन देंगी, जिनसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिनकी आने वाली फिल्में 2024 से 2025 तक रिलीज कर दी जाएंगी। अगर आप शाहिद कपूर के फैन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी लगी। ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू। फर्स्ट नंबर पर है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एक रोबोटिक रोम कॉम ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं अमित जोशी और आराधना शाह, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सनन लीड रोल्स में नजर आएंगे। वहीं धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया, राकेश बेदी, अनुभव फतेहपुरिया और राजेश कुमार सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में शाहिद कपूर एक रोबोट से रोमांस करते हुए नजर आएंगे। कृति सनन एक रोबो का रोल प्ले कर रही है, और उनके कैरेक्टर का नाम है सेफ्रा, और इसका फुल फॉर्म है सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। फिल्म में हमें एक इंसान और रोबोट के बीच का प्यार दिखाया जाएगा, जो एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी की ओर लेके जाएगी। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया एक रोबोट स्पेशलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, जो शाहिद कपूर की मासी हैं, और अनुभव फतेहपुरिया शाहिद कपूर की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर किया है सचिन जिगर ने। इस फिल्म के सॉन्ग्स कम्पोज किए हैं सचिन जिगर, मित्रास और तनिष्क बागची ने। और ये फिल्म 9 फरवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा वैलेंटाइंस डे के मौके पर। और ये 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म एक्स मशीना और सीरियल बहू हमारे रजनीकांत से इंस्पायर्ड होने वाली है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तले बनाया गया है। सेकंड नंबर पर है देवा, एक एक्शन थ्रिलर कॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है रोशन एंड्रयूज, जिनकी हिंदी सिनेमा में डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े लीड रोल्स में नजर आएंगे। वहीं पवन गुलाटी, कुबरा सैद और परवेश राणा सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। और ये फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को दशहरा के खास मौके पर थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म में शाहिद कपूर एक कॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और उनके कैरेक्टर का नाम है देवा, और पूजा हेगड़े शाहिद कपूर के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स के बनतले बनाया गया है, और 2013 में आई मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का ऑफिशियल हिंदी रीमेक होने वाला है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में थे, और इसे डायरेक्ट किया था रोशन एंड्रयूज ने। थर्ड नंबर पर है शाहिद कपूर की अनटाइटल्ड पीरियड ड्रामा फिल्म, और इस फिल्म के डायरेक्टर है कन्नड़ फिल्म मेकर आवानी सिरिमानारायणन, फेम सचिन रवि, जिनका ये बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है। फिल्म में शाहिद कपूर महाकाव्य महाभारत के महान योद्धाओं में से एक कुशल योद्धा अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये एक बिग बजट पैन इंडियन प्रोजेक्ट होने वाला है। पूजा एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। इस फिल्म के विजुअल्स ग्रैंड लेवल पे होने वाले हैं, जिसे बिग स्केल पे बनाया जा रहा है। इसके लिए मेकर्स ने ग्लोबल वीएफएक्स टीम से बात किया है। वहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बाकी एक्टर्स को इम्पोर्टेंट रोल्स के लिए कास्ट किया जाएगा। इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं और जबरदस्त बॉडी बनाने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 में स्टार्ट होगी, जिसे 2025 के एंड में देखने को मिल सकता है। फोर्थ नंबर पर है बुल, एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य निम्बालकर। फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे, और ये फिल्म ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की लाइफ पे बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म की स्टोरी 1980s में सेट है। फिल्म में शाहिद कपूर पैरा ट्रूपर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा का रोल प्ले करते नजर आएंगे, और ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स के बनतले बनाया जाएगा। इस फिल्म को 7 अप्रैल 2023 को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन ये फिल्म फिलहाल होल्ड पे रख दी गई है। फिफ्थ नंबर पर है शाहिद कपूर की अनटाइटल फिल्म, डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली के साथ एक मसाला एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में होंगे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट संजय लीला भंसाली के राइटर्स लिख रहे हैं, और ये फिल्म राउडी राठौड़ और गब्बर इसबैक के लाइंस पे होगी। एक बार इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई तो इसके लिए डायरेक्टर को कास्ट किया जाएगा। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली अपने प्रोडक्शन हाउस भंसाली प्रोडक्शंस के बनतले प्रोड्यूस करेंगे। ये डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और शाहिद कपूर का सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले दोनों ने पद्मावत जैसी फिल्म दे चुके हैं। इस गुस्से को लेकर क्या करोगे तुम लाइफ में कभी? I'm not a rebel without a cause, sir. सिक्स नंबर पर है कबीर सिंह 2, एक रोमांटिक वायलेंस फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह को भी डायरेक्ट किया है। फिल्म में हमें एक बार फिर से शाहिद कपूर और कियारा नवानी लीड रोल में नजर आएंगे, और ये 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह का सीक्वल होने वाला है। मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। इस फिल्म को भूषण कुमार और मुराद खितानी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।